हाय डियर व्यूअर्स, हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमने लेना होता है वो ये है कि हमारी पेज की सेटिंग क्या होगी, इसका पेज का साइज़ कितना होगा, इसके लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम मार्जिन क्या होंगे और पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, यानी पोर्ट्रेट होगी या लैंडस्केप होगी। ठीक है, तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। अगर टॉप पे यहाँ पे रूलर डिस्प्ले नहीं हो रहा है या लेफ्ट पे यहाँ पे, तो आप व्यू मेन्यू पे आए, ठीक है, और रूलर के इस चेकबॉक्स को चेक करें। ठीक है, तो ये रूलर डिस्प्ले हो गया। अब हम पेज सेटअप पर आते हैं, तो पेज सेटअप के लिए आप पेज लेआउट मेन्यू पर क्लिक करें। ये कमांड्स अपीयर हो रहे हैं, इसमें से सबसे पहले हम पेज के साइज़ के मुतालिक डिसीजन लेते हैं। तो साइज़ के कमांड पर क्लिक करें, ये देखो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो रही है। हमारे पास नॉर्मली जो ऑफिसेज में हम जो पेजेस यूज़ करते हैं तो वो तो या लीगल साइज़ के होते हैं या A4 साइज़ के होते हैं। इन दोनों में डिफरेंट साइज़ का है। ठीक है, लीगल पेज जो है इसकी जो विड्थ है ये 21.59 सेंटीमीटर या 8.5 इंचेस होता है, जबकि इसकी हाइट 35.56 सेंटीमीटर या 14 इंचेस होती है। इसी तरह A4 साइज़ की जो विड्थ है ये 21 सेंटीमीटर या 8.26 इंचेस होती है, जबकि इसकी जो हाइट है ये 29.7 सेंटीमीटर या 11.69 इंचेस होती है। ठीक है, तो अगर हम लीगल पेपर यूज़ कर रहे हैं तो लीगल कमांड पर को सेलेक्ट करें, और अगर हम A4 को यूज़ कर रहे हैं तो फिर A4 के कमांड को सेलेक्ट करें। ठीक है, इसके अलावा हम पेपर की सेटिंग के लिए जो है वो कस्टम साइजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करें, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। आप देखें यहाँ से हम विड्थ को भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसा पेपर हो कि हमें ये पता नहीं चल रहा हो कि ये लीगल पेपर है, A4 है या कौन सी साइज़ का है, तो आसान तरीका ये है कि आप फुट या पैमाना उठा लें, उसकी विड्थ को भी आप मेजर करें और उसको नोट करें, और उसकी हाइट को भी आप मेजर करें और उसको नोट करें। अगर आपका फुट या पैमाना ये इसमें मेजरमेंट इंचज़ में दी गई है तो आप इंचज़ में नोट करें, लेकिन चूँकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में फिर ये वेट और हाइट देनी होती है तो फिर हम उन इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो फिगर हमारे पास आएगा तो उसको हम यहाँ पे वेट और हाइट के मुतालिक खानों में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको ओके करें। ठीक है, पेपर साइज हमारा हो गया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि मेरे पेपर के जो लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम मार्जिन है वो क्या होंगे। मार्जिन से मुराद वो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, जिसमें कोई राइटिंग नहीं होती। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेरी लेफ्ट मार्जिन है। अब जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इट इज़ ओनली फॉर आवर गाइडेंस, तो इसके लेफ्ट में कोई राइटिंग वगैरह नहीं आएगी, ये स्पेस ब्लैंक रहेगी। इसी तरह ये राइट मार्जिन है, ठीक है, इसी तरह ये टॉप मार्जिन है, ठीक है, और इसी तरह ये बॉटम मार्जिन है। तो इन ये मार्जिन बाई डिफ़ॉल्ट जो होते हैं ये 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं या 1 इंच, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर होते हैं। तो इस मार्जिन को, चारों मार्जिन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं डायरेक्टली भी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लेफ्ट मार्जिन को कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लाए, जब ये डबल साइडेड एरो बन जाए तो क्लिक करें और होल्ड रखें, ठीक है, और अब इसको लेफ्ट या राइट ड्रैग करें, तो जहाँ पे आपने मार्जिन सेट करनी हो वहाँ पे फिर आप इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मेरी लेफ्ट मार्जिन सेट हो गई। राइट मार्जिन को अगर मैंने चेंज करना है तो यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लाऊंगा, ये जब डबल साइडेड एरो बन जाए तो इसको क्लिक करूँगा और फिर इसको होल्ड रखूँगा, और इसी तरह ये देखो मैं अपनी राइट मार्जिन भी इनक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह टॉप मार्जिन को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है और बॉटम मार्जिन को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इन मार्जिन्स को यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम पेज लेआउट के तहत मार्जिन्स को जो कमांड है इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है। इसमें हम मुख्तलिफ ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल को करते हैं ताकि हमारी मार्जिन फिर दोबारा नॉर्मल पे आ जाए, यानी 2.54 सेंटीमीटर चारों मार्जिन या 1 इंच के बराबर हो जाए। ठीक है, ये दोबारा नॉर्मल हो गया। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो नैरो में फिर ये टॉप चारों मार्जिन जो होते हैं ये थोड़े से कम किए जाते, मॉडरेट में फिर ये दरमियानी दर्जे के होते, स्पेशली टॉप और बॉटम को सेम रखा जाता है, जबकि लेफ्ट और राइट इसमें कम हो जाते, वाइड में फिर
टॉप और बॉटम जो है वो सेम रहते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, यानी 1 inch, जबकि लिफ्ट और राइट ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि लिफ्ट मार्जिन ये देखिए 5.08 सेंटीमीटर। लेकिन इसके अलावा अगर हम कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करना चाहिए, यानी अपनी मर्जी के मार्जिन देना चाहे, तो कस्टम मार्जिन के कमांड को सेलेक्ट करें, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। तो यहाँ से भी हम टॉप मार्जिन को इनक्रीज़ या डिक्रीज कर सकते हैं, इसी तरह बॉटम मार्जिन को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और राइट मार्जिन को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी के मार्जिन सेट करें और फिर ओके करें। तो ये मेरी मार्जिन भी सेट हो गए। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारी पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन के लिए आप पेज लेआउट कहते हैं, ये ओरिएंटेशन के कमांड को क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगी। फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है पेज की ओरिएंटेशन, अगर हम इसको लैंडस्केप करना चाहें तो लैंडस्केप के कमांड पे क्लिक करेंगे, तो लैंडस्केप में आप देखें पेज की जो विड्थ है ये ज़्यादा हो गई, जबकि हाइट तकरीबन हाइट कम हो गई है अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्रेट में फिर हाइट ज़्यादा हो जाती है और विड्थ कम रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप पेज सेटअप को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।